दोस्तों नमस्कार, जय माता दे। हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ। शुगर वालों के लिए बारले का सूप बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हर एक व्यक्ति को बारले के सूप का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे किडनी की शक्ति बढ़ती है। शुगर वालों को किडनी की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उन्हें बारले के सूप का सेवन करना चाहिए। वैसे तो शुगर वालों को बारले यानी जौ का पानी पीना चाहिए, जो उनकी किडनी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हर रोज बारले यानी जौ का पानी पी नहीं सकते, इसीलिए आज मैं उनके लिए बारले का सूप लेकर आई हूँ। यह सूप उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बारले का सूप बनाने से पहले तमाम शुगर वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ, सैर जरूर करें 45 मिनट सुबह 45 मिनट शाम को, और अपने खान पान का ध्यान रखें। आइए बनाते हैं बारले का सूप। उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं। यह देखिए बारले, एक छोटी कटोरी जो हमने उबाल कर इसका पानी ये निकाल कर रखा है। बारले को उबालने के बाद उसका पानी फेंकना नहीं है, रखना, ये देखिए हमने रखा है, क्योंकि इसके पानी में मिनरल और प्रोटीन होते हैं और यह बहुत ही फायदेमंद होता है। बारले के सूप के लिए हमें और क्या क्या चाहिएगा, यह देखिए एक गाजर जो हमने धोकर रखी है छीलकर, एक छोटी प्याज ये भी हमने छील कर रखे, एक हरी मिर्च, एक शिमला मिर्च और ये अदरक, ये 4-5 कलियां लहसुन की। अब ये देखिए ये गाजर हमने काट कर रखी है, ये देखिए गाजर बिल्कुल बारीक काटनी है ऐसा ही, इससे बहुत अच्छा कलर आता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये शिमला मिर्च ये भी हमने बारीक काट के रखी है, इसका बीज बिल्कुल नहीं डालना, बीज अलग निकाल देना, ये देखिए ऐसे बारीक काटनी है। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा ये भी हमने बारीक काट के रखा हुआ है, ये 4-5 कलियां लहसुन की इनको भी बारीक ही काटना है, एक हरी मिर्च ये हमने बारीक काट के रखी हुई है, और ये एक छोटी प्याज इसको भी बारीक टुकड़ों में ही काटना है, और ये हरा धनिया। अब हम गैस ऑन करते हैं और ये देख गैस पर एक पैन रखते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा तेल डालना है, 1 छोटा चम्मच। ये देखिए जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है सबसे पहले हम इसमें लहसुन डालते हैं, ये देखिए इसको हल्का ब्राउन करना, ये देखिए बिल्कुल हल्का ऐसे चलाते रहना। अब इसके बाद बारीक कटा हुआ अदरक डालना, इसको भी ऐसे चलाते रहना, हल्का भूनना है, इसको ज़्यादा लाल नहीं करना। सूप में लहसुन और अदरक डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये देखिए इसके बाद हम इसमें प्याज डाल के ऐसे चलाना है, हल्का भूनना है, देखिए हल्का ब्राउन करना है। अभी देखिए इसके बाद हम इसमें बारीक कटी गाजर डालते हैं, इसको ऐसे थोड़ा सा लगते हैं। अब इसके बाद ये देखिए जो हमने बारले उबाल कर रखा उनका पानी इसमें डालते हैं, इसको चलाते हैं ऐसे। अब इसको 2 मिनट के लिए पकाते हैं। अभी देखिए 2 मिनट के बाद अब हम इसमें शिमला मिर्च डालते हैं, ये देखिए हरी मिर्च डाल के और ये हरा धनिया, और देखिए हमारे सूप का कितना अच्छा कलर हो चुका है, ये देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसमें डालते हैं नमक, ये देखिए थोड़ा नमक डालते हैं, स्वाद के हिसाब से डालिए। अब डालते हैं 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च और ये 1/2 चम्मच चाट मसाला, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। अभी देखिए इसके बाद हम इसमें बारले डालते हैं, ये देखिए सारे डाल देने। अब इसको थोड़ा ऐसे चलाते हैं और 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाते हैं। यह शुगर वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। यह देखिए हमारे बारले का सूप बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको परोसते हैं। ये देखिए मेरे शुगर वाले भाई बहनों के लिए बारले सूप बिल्कुल तैयार है। ये देखिए देखने में कलर भी कितना अच्छा लग रहा है, जैसे देखने में अच्छा लग रहा है वैसे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही फायदेमंद होता है। मेरे शुगर वाले भाई बहन इसे बेफिक्र होकर खा सकते हैं। और धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। जय माता दोस्तों।